उत्तर प्रदेश के मोरादाबाद के कोतवाली सदर क्षेत्र के एक होटल में ठहरी हुई एक लड़की ने ये कहकर हकम मचा दिया कि उसके साथ दो लोगों ने होटल में बुलाकर गैंगरेप किया है। लड़की के आरोप के बाद होटल वालों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस को लड़की ने बताया कि वो दिल्ली में रहती है। उसे नौकरी दिलाने के नाम पर उत्तराखंड के काशीपुर में रहने वाले दो युवकों ने मोरादाबाद बुलाया था और मोरादाबाद में आने के बाद कोतवाली सदर क्षेत्र के स्टेशन रोड पर अनमोल गेस्ट हाउस में ठहरा दिया। फिर दोनों ने ही उसके साथ जबरन रेप किया और फिर दोनों फरार हो गए। युवती के साथ गैंग रेप की जानकारी जैसे ही हिंदू जागरण मंच के नेताओं को हुई वो कोतवाली पहुंच गए। इसी दौरान पुलिस ने रेप का आरोप लगाने वाली युवती के परिजनों को भी सूचना देकर मोरादाबाद आने की बात कही है। देर रात रेप का आरोप लगाने वाली युवती के परिजन भी मोरादाबाद पहुंच गए। वहीं हिंदू जागरण मंच के नेताओं का आरोप था कि दिल्ली से आई युवती ने तहरीर में लिखकर कहा है कि उसे नौकरी का झांसा देकर रेप किया गया। हिंदू जागरण मंच के नेताओं के मुताबिक बलात्कार के आरोपी कभी खुद का नाम राहुल बता रहे थे तो कभी कुछ और नाम बता रहे थे। इसी दौरान गैंग रेप का आरोप लगाने वाली युवती के परिजन ने मीडिया कर्मियों से भी अभद्रता की, जिसे बामुश्किल क्षेत्राधिकारी कोतवाली सदर इंदु सिद्धार्थ ने संभाला। मोरादाबाद पुलिस ने पीड़िता के परिजनों के आने के बाद तहरीर लेकर गैंगरेप के आरोप में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वे पीड़िता को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मोरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। लाइट पड़ रही ऊपर से यार आप रोक रहे हैं, आपको रोक सकते हैं, रोक के रहते हैं, रोक सकते हैं। आप उसे खुफिया गाड़ी में लेके जाइए, आप कैसे मीडिया का गला घोटेंगे? आपके घर पे थोड़ी है हम। बनाइए आप तरीका थोड़ी है, आप पुलिस के कैमरे दोपहर भी आप छीनेंगे, अब भी काम नहीं करने देंगे मीडिया को आप। क्यों लाए आप ये? तो बताइए ना क्या हुआ आपके साथ? पुलिस बताइए ना पुलिस को, यार हमें कुछ नहीं पता। लड़की की शादी बताइएगा, लड़की है कोई नहीं करवानी है। आपकी थोड़ी कर रहे हैं, तो ड्यूटी पे अपना काम कर रहे हैं, आपके घर पे थोड़ी कर रहे हैं, आपके घर पे नहीं थाना है। ये अपने भी बहन बेटियों की देख लो, अगर तुम्हारी बहन बेटियों के साथ ऐसा होता है तो आज शिकायत कराने भी आई है। सामने लगा की रिपोर्टिंग को सबको दिखाने आए थे पुलिस के सामने मीडिया में बदतमीजी हो रही है, पुलिस के सामने मीडिया में बदतमीजी हो रही है। क्या करेंगी आप माता जी इनका? जब आप रिक्वेस्ट करेंगे आपको बंद करेंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे सब बंद कर लेंगे, आप चैलेंज करेंगे तो नहीं बंद होगा। जिसको बुला लीजिए चलाते रहेंगे भाई। मैं तो रिक्वेस्ट कर रही हूं। नहीं मैडम आपके सामने बदतमीजी हो रही है, ऐसे थोड़ी है मीडिया से बदतमीजी होगी। बुलाते रहिए सब। अरे भाई आप रिक्वेस्ट, मैडम ने रिक्वेस्ट कर दी, हम मानने थे आप आवाज। नहीं मैम ये थ्रेट दे रही है, ऐसे नहीं होगा। थ्रेट नहीं दे रही है यार, वो भी परेशान है, बंद करो। तो थाना आए कोई बहुत थोड़ी है, हमें पता चला पुलिस वाला आरोपी है, इस बार कैमरे बंद कराए जा रहे हैं, यही बात है ना? कही खुल के तो आप रिक्वेस्ट करते सब बंद करते। भैया हमने रिक्वेस्ट करते भैया, पहली फोटो खींची थी जब भी रिक्वेस्ट करी थी हमने, हम तो गए तो पुलिस के सामने मीडिया में बदतमीजी हो रही है, पुलिस के सामने मीडिया में बदतमीजी हो रही है। तुम्हारी ऐसी कैसी बता दूंगी मैं?
क्या करेंगे आप माता जी इनका, जब आप रिक्वेस्ट करेंगे आपको देखने के लिए, आप रिक्वेस्ट करेंगे सब बंद कर देंगे, आप चैलेंज करेंगे तो नहीं बनोगा, इसको बुला लीजिए चलाते रहेंगे भाई। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं मैडम आपके सामने बदतमीजी हो रही है, ऐसे थोड़ी है मीडिया से बदतमीजी होगी, बनाते रहिए सब। अरे भाई आप रिक्वेस्ट, मैडम ने रिक्वेस्ट कर दी, हम मानना थे आप आगे, नहीं मैम ये थ्रेट दे रही है, ऐसा नहीं होगा, थ्रेट नहीं दे रही है यार, वो भी परेशान है, बंद करो। तो थाना है या कोई, बहुत थोड़ी है, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, आगा की खबर तो होगी, हमें पता चला पुलिस वाला आरोपी है, इस बार कैमरे बंद कराए जा रहे हैं, यही बात है ना, कहिए खुल के, पुलिस तो नहीं करवा रही ना, तो आप रिक्वेस्ट करते सब बंद कर दे भैया, हमने पहले फोटो खींची थी जब भी रिक्वेस्ट करी थी हमने, मुझसे पूछ के लिखी गई है, मुझसे पूछ के लिखी गई है, लड़की कह रही है कि मैंने लिख के दी है, कह रही है ना लड़की की हैंडराइटिंग है, अब वो क्या बताने, मैं ये नहीं जानती, लेकिन आपके सामने लड़की ने कहा कि मैं जानती हूँ कि मैंने क्या लिख के दिया, लड़की खुद लगा के लाई, हमने लिखी है भाई, परिजन पहले एक लोग साइड हो गए, परिजन परिजन के लोग नहीं, वो तो बीच में है, उन्हीं के सामने तहरीर की है, एहतान सैफी कौन है, यही तो लड़का है, लड़का तो राजा सैफी बताया उसने, तो उसकी सैफी है, आपको एहतान सैफी कैसे पता, आईडी क्योंकि आईडी है होटल में उसकी, होटल में आईडी में एहतान लिखा है, बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ नहीं बैठ जाओ, कोई परेशान मत, परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, पुलिस भी चार बार पूछताछ करती है, अलग अलग मौका, घबराइए ना, अगर नौकरी के लिए बात है तो फिर धर्म परिवर्तन की बात क्यों होगी, हो सकता है पहले से बता रहा हूँ किस बात की, तो आप कहना चाहते हैं कि लड़की का चरित्र जो है ऐसा है कि वो बतिया रही थी, बात कर रही थी, और अब इस तरह की कोई बात है, मैडम क्या ऐसा चाह रहे हैं, हाँ बिल्कुल गलत करा है, उसके साथ न्याय होना चाहिए, और इसमें धर्म परिवर्तन की बात कहाँ से आ रही है, नौकरी के बहाने हाँ मैं ये बता रही हूँ, धर्म परिवर्तन किस लिए कराया जाएगा, वो क्यों कराएंगे, नौकरी देने के लिए धर्म परिवर्तन कराएंगे, नहीं तो अगर उसकी मैडम इंटेंशन थी नौकरी कर रहा होगा भाई, ये कर रहा होगा इसलिए, मतलब किस लिए घटना देश में हो रही है, राजा से बोल रहे केस में नहीं है, देखिए मैडम राहुल नाम में किसी साहिल या किसी मामले अगर ऐसा नहीं बोल रही है लड़की, तो आप एक सर के बयान में निकाल दे रहे हैं, उसकी मंशा तो इसी बात से स्पष्ट है ना, राहुल नाम क्यों बता रहा है, वो तो अब्दुल नाम बता रहा है, जो जो दो आदमी जो बात करना चाहते हैं इस प्रकरण में केवल वो दो उपस्थित रहे और मैडम रहेंगी, ठीक, बाकी सभी लोग बाहर जाएं, ठीक है, अनमोल होटल में होटल के अंदर बुलाया था, तो क्या आरोप है लड़की का, लड़की आरोप है इनके साथ रेप करा गया, रेप लड़का करा। लड़की आपस में पहले से दो एक दूसरे को जानते थे, नहीं जानते नहीं थे, केवल फोन पे इन लोगों की बातचीत हो रही थी, टेलीफोनिक फोन पे बातचीत हुई थी, टेलीफोनिकली इन लोगों की फोन पे बात चल रही थी, कितने टाइम से बात, इंटरव्यू के लिए पिछले लगभग 10-12 दिन से लोगों की बातचीत चल रही थी, अच्छा फिर अभी इंटरव्यू देने आई होगी, वहाँ पर उसने राहुल नाम अपना बता रखा था, फिर यहाँ के उसके साथ इन्होंने रेप किया, उसके बाद लड़की ने अपने घर पे सूचना दी, इसके घर से परिवार से वहाँ से दिल्ली से लोग आए, उन्होंने आगे तुरंत थाने पे, ये लोग लगभग 7-8 बजे थाने आ गए थे, 7 बजे करीब, 2 बजे के आसपास की घटना आई, मेरा तो आदमी भी लड़की को परिचित है, नहीं 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 ये तो यहाँ चूंकि 7-8 बजे लड़की वाले आ गए हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई हो नहीं रही थी, मुकदमा कायम हुआ नहीं था, लड़को कैसे पकड़ा, लड़के को कहाँ से पकड़ा, लड़के नहीं, अब ये तो लड़की बताई, लड़के हैं यहाँ पर, नहीं लड़के अभी तक लड़के बराबर नहीं, अभी तक बराबर नहीं की पुलिस ने, बराबर नहीं हुए, कौन से होटल में दर्ज हो रहा है, कौन से होटल में थे, ये अनमोल होटल बता रही है लड़की, अनमोल होटल बुद्ध बाजार में अनमोल होटल है कोई उसमें, अब पुलिस मैडम क्या करेंगे, अब सीओ साहब से हमारी बात हुई, इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने भी लड़की से बात की, उसके बाद मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए, मुकदमा का मामला आया क्या,
लव जिहाद का मामला इसलिए लग रहा है ये क्योंकि वो अपना नाम राहुल बता रहा है, लड़का। हाँ लड़की, जबकि मुस्लिम लड़का है। लड़की कौन है? उस होटल में आईडी देखी गई, जो मुस्लिम ही आईडी है, लड़की हिंदू है। लड़के की आईडी प्रिया है, लड़की प्रिया। अगर लव जिहाद वाली इंटेंशन नहीं होती तो वो अपना नाम राहुल नहीं बताता, जो नाम था जेनुइन वो नाम बताता। अच्छा, नहीं होती। आप लोग को हम लोग को पता चला कि कोई परिवार यहाँ बैठा हुआ है थाने पे और उसकी कोई सुन नहीं रहा, इसलिए यहाँ संगठन पहुँचा। आप किस संगठन से हैं? और हिंदू जागरण मंच, मैं महानगर अध्यक्ष हूँ यहाँ हिंदू जागरण मंच में। मैं प्रांत से राहुल द्विवेदी। कल रात्रि में दिल्ली निवासी एक महिला की तरफ से कोतवाली थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई कि उनके साथ दो लड़कों ने रेप किया है, एक होटल में ले जा करके नौकरी का झांसा दे करके यहाँ पर बुलाए थे और नशीला पदार्थ खिला करके होटल के अंदर ले गए और वहाँ पर रेप किया। तहरीर के आधार पर FIR पंजीकृत हुई और जो दो लोग उसमें पकड़े गए वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, इस समय पुलिस कस्टडी में हैं। उनसे पूछताछ जो हुई उसके आधार पर उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप के थ्रू इनकी चैटिंग होती रहती थी और उसी से ये लोग संपर्क में आए थे। यहाँ पर महिला ने उन्हें बुलाया और फिर इस तरह की घटना हुई। आगे क्या सही चीज़ है इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिलहाल दोनों पुलिस की कस्टडी में हैं और विस्तृत विवेचना इस मामले में आगे जारी है।